हाय गाइस, माय नेम इज अमन शर्मा, यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस 5 स्टार रेट करी हुई स्कॉर्पियो एन के बारे में। जी हां, आज ही ग्लोबल एन कैप का रिजल्ट आया है और स्कॉर्पियो एन ने 5 स्टार रेट कर दिए हैं, मतलब कि इंडिया की सेफेस्ट कारों में से एक हो चुकी है। अब यहां पर ग्लोबल एन कैप ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो निकाली है 3 गाड़ियों के साथ में। जी हाँ, आज ग्लोबल एनकैप ने कुल 4 गाड़ियों की टेस्टिंग निकाली है। बिल्कुल 6 घंटे पहले एक साथ में कंपनी ने पूरी जो 4 गाड़ी है उनकी टेस्टिंग निकाल दी, जिसमें से सबसे पहली रही है मारुति सुजुकी की इग्निस, जिसने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया है। 1 स्टार इस गाड़ी को मिले, मतलब ये सेफेस्ट कार नहीं है। 5 स्टार में से सिर्फ इसे 1 स्टार मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पुअर बिल्ड क्वालिटी है मारुति सुजुकी की इग्निस की। इसी के साथ में जो मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है उसकी भी यहाँ पर टेस्टिंग सामने आ चुकी है, जिसमें इसने भी डिसअपॉइंट किया है, इसको 1 स्टार मिले हैं। और यहां पर ये 2 गाड़ियां ही नहीं, जो सबसे ज्यादा सेल होती है ना, मतलब हर मंथ ये टॉप 10 लिस्ट में होती है, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, और ये बेस्ट सेलिंग हैचबैक भी रह चुकी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके भी अंदर आपको सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बहुत खराब मटेरियल दे रही है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के अंदर। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं 3 गाड़ियों को 1-1 स्टार मिला है, मतलब 3 गाड़ियों की भी स्टार रैंक मिला लेना तो सिर्फ 3 स्टार ही हो रहे हैं, टोटल 5 स्टार तो हो ही नहीं पा रहे हैं। बट यहां पर जो 3 गाड़ियों के बाद कंपनी ने ग्लोबल एनकैप ने स्पेशली जो अपना टेस्ट सामने रखा वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसने फुल्ली 5 स्टार रेट करे, मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कंपनी बोल रही थी ना, द बिग डैडी इज वेरी बिग, द बिगेस्ट SUV, तो भाई सच्ची में ये गाड़ी सबसे बेस्ट है और सेफ्टी के मामले में भी काफी बेस्ट है। क्योंकि स्कॉर्पियो जो पहले आया करती थी ना, उसको 5 में से 0 स्टार मिले थे, मतलब 1 स्टार भी नहीं मिला था, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, बॉडी रोल था उसमें बहुत ज्यादा। बट महिंद्रा ने पिछली स्कॉर्पियो से सीख लेकर अपने अंदर सारे जो चेंजेस हैं जो इनकी गाड़ियों में होना चाहिए थे, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो डायमेंशंस को लेकर हो, बॉडी रोल को लेकर हो, सब पे वर्क किया और आज आप देख ही सकते हैं 5 out of 5 स्टार इसने रेट करे हैं। और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ही नहीं, महिंद्रा की XUV700 ने भी 5 स्टार रेट करे हैं, वो भी सेफेस्ट कारों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टाटा के लोहे को बोला जाता है ना कि बहुत दमदार है, वैसे ही महिंद्रा का लोहा भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा दमदार है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो आप देख ही सकते हैं, 5 स्टार इसने रेट करे हैं। अब यहाँ पर बात करें अगर मारुति सुजुकी की, तो बहुत ज्यादा खराब हालत है, मतलब अगर प्राइस को लेकर बात करें तो मारुति सुजुकी से बेस्ट कार कोई सी भी नहीं है, बट वहीं पर सेफ्टी की बात करें तो मारुति सुजुकी से खराब ब्रांड कोई भी नहीं है। तो सेफ्टी और प्राइस में मतलब मारुति सुजुकी थोड़ा सा खेल जाता है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा कम रखता है, वहीं पर मटेरियल थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का लगाता है, तो वहां पर क्या है ना, प्राइस भी उसकी कम हो जाती है और सबसे ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि उसका ट्रस्ट है, इंजन वाइज बहुत अच्छी कार है रिलायबिलिटी के उस पर, तो ज्यादातर लोग मारुति सुजुकी को प्रेफर करते हैं इसी कारण से। वहीं पर अगर बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा का थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई चला जाता है, बट वहीं पर अगर आप बात करेंगे सेफ्टी की, तो सेफ्टी तो आपके ही हाथ में है, आप सभी देख सकते हैं 5 स्टार रेट करें, सेफेस्ट कारों में से एक अब ये हो चुकी है। अब यहां पर मारुति सुजुकी की सिर्फ 2 कार्स हैं जो इनकी डूबती हुई नैया को बचा सकती है। आप सभी को मालूम है, सबसे पहले इनकी ब्रेजा हो गई है जिसकी अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, और दूसरी है ग्रैंड विटारा। जल्दी इन दोनों की भी टेस्टिंग होगी, आप सभी के सामने रिजल्ट्स आएंगे और आपको हम बताएंगे कैसा क्या रिजल्ट आया है इन दोनों गाड़ियों का। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।